देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है रिशा, आयुर्वेदिक पंचकर्म क्लिनिक एंड अवेकनिंग माइंड्स काउंसिलिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष तिवारी सर है। आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है सर आप जी। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से और ये जो पोस्ट कोविड वाले जो पेशेंट्स हैं उसमें आर्थो रिलेटेड डिजीज काफ़ी बढ़ गए हैं। फ्रोजन शोल्डर हो गया, विस्कुल नेक्रोसिस हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, साइटिका हो गया। तो आप बताइए किस तरह का पेशेंट आपके क्लिनिक में आते हैं और किस तरह का आप लोगों का ट्रीटमेंट ऑफलाइन होती है, इस बारे में बताइए जी। देखिए, आयुर्वेद में अधिकतर आने वाले पेशेंट जो होते हैं वो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग के पास आते हैं। खास करके घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हिप जॉइंट में दर्द, मुख्यतः अगर देखेंगे तो दर्द के पेशेंट हम लोग के यहाँ ज़्यादातर आते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर के वो आते हैं। इसका मेन कारण है कि दिन ब दिन जो हम लोग की जीवन शैली बदल रही है और खान पान के तौर तरीकों में बदलाव हो रहा है, उससे हम लोग ये देख रहे हैं कि नए जो जवान लोग हैं 40 या 40 के अंदर वाले लोगों में भी ये जोड़ों की दर्द की समस्याएं बढ़ते जा रही है। जोड़ों के दर्द में मुख्यतः जो हम लोग के पास आते हैं वो संधिवात के लोग पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। कमर दर्द एक बहुत सामान्य का कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग चिकित्सा के लिए आते हैं जी। हम लोग ने भी देखा है कि हमें जीवन के किसी दौर में हर एक व्यक्ति को कमर का दर्द कभी ना कभी होता ही है, और तो उसके लिए काफ़ी लोग आते हैं। एक नए अभी हम लोग जो पेशेंटों का नया वो देख रहे हैं तो वो अवास्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट्स को भी हम लोग अब ज़्यादा प्रमाण में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मुख्यतः यही पेशेंट्स आयुर्वेद में इलाज के लिए आते हैं। सर, पहले ये भ्रम था कि एलोपैथिक में एवस्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट होता है, ऐसा ये था कि लोग एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा जाते थे। अब जबकि आयुर्वेदिक में देखा गया काफ़ी स्पेशलिटी एडवांसमेंट आ चुका हुआ है, तो एवस्कुलर नेक्रोसिस के जो पेशेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत ना है, उससे पहले के जो डॉक्टर जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं हिस्ट्री देख के, तो क्या सफल है क्या आपके हिसाब से? देखिए, जॉइंट पेन का किसी भी समस्या में अगर जल्दी इसका निदान करते हैं या व्यक्ति पहले आयुर्वेद में आता है, जल्दी आता है, तो उनको 100% आराम उसमें मिलता है, 100% उसका उपचार उपलब्ध होता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि कई दिनों तक लोग अलग अलग उपचार करते हुए और काफ़ी लेट आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए पहुँचते हैं, तो उन स्थितियों में पेशेंट की परिस्थिति देख करके बीमारी कितनी गंभीर हो चुकी है उसके अनुसार फिर चिकित्सा को प्लान किया जाता है। बट अगर आप पेशेंट जल्दी अगर आयुर्वेद में आए, निदान होते साथ ही आए, तो या स्टेज फर्स्ट टू स्टेजेस में आते हैं, तो 100% आयुर्वेदिक दवा से फायदा भी होता है और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन टालने में भी सक्षम होती है चिकित्सा। शहर और विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शक जो युवा है वो जानना चाहते हैं कि ये जो युवा वर्ग में देखा गया जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो जंक फूड का ज़्यादा इंटेक करते हैं, डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स है, ये काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं ये फेस कर रहे युवा लोग, तो आप ये बताइए कि, और जो जिम में भी जाते युवा लोग तो ज़्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन लेते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, स्टेरॉइड्स का ज़्यादा इंटेक करते हैं उनका, और सनराइज भी लेते नहीं, अभी धूप तो कभी हाई नहीं बोलना, लेकिन सनराइज भी इंटेक नहीं करते, तो उसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पे, स्पेशली उनके आर्थों पे, हड्डी पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए आप। देखिए, हड्डियों पे जीवन शैली का प्रभाव हमारे शरीर के हर भाग पे पड़ता है और खान पान का और जीवन शैली का संबंध ही होता है बीमारियों से। अगर यही ठीक नहीं रहेगा तो बीमारियाँ तो होंगी। जड़ी बात हड्डियों की, तो आज के समय में जो हम लोग देखते हैं स्टेरॉइड का इंटेक, चाहे वो जिम जाने वाले लोग हों या फिर कोई बीमारी के लिए स्टेरॉइड्स का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, उनका भी उस स्टेरॉइड के प्रयोग की वजह से हड्डियां कमज़ोर होना और उसकी वजह से जॉइंट के प्रॉब्लम होना, ये सामान्य अभी हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा भी जो खान पान का अगर तौर तरीका ठीक नहीं है या फिर असमय खाना खाते हैं, तो इससे भी हमारे शरीर में एक आम उत्पत्ति होती है जिसको हम लोग टॉक्सिंस बोलते हैं। वो टॉक्सिंस ब्लड के माध्यम से जोड़ों में जाकर के जमा होने लगते हैं और वहाँ पर फिर वो रोग उत्पन्न कर देते हैं जिसको हम लोग आयुर्वेद में आमवाद बोलते हैं।
और दूसरा कारण होता है जो जीवन शैली की बिगाड़ है, या बहुत तीखा मिर्ची मसाला स्पाइसी खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, इन प्रकार की लाइफस्टाइल की वजह से भी शरीर में पित्त का ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड शरीर में बनता है और वो यूरिक एसिड भी जाके जोड़ों में जमा करके गाउट नाम की बीमारी को, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पैदा करता है। तो इस प्रकार खान पान, रहन सहन और जीवन शैली की गड़बड़ियों से बहुत सारे जोड़ों के दर्द होते हैं। कुछ तकलीफें ऐसी हैं जो आपको उम्र के साथ आती हैं, बट वो अलग बात है, लेकिन जीवन शैली और खान पान से बहुत सारे जोड़ों के दर्द को आप कंट्रोल में रख सकते हैं, होने से बचा भी सकते हैं खुद को। डॉक्टर तिवारी सर, आप ये भी बताइए, जब हम महिलाओं की जब बात करते हैं तो छोटे के बाद स्टोपोरोसिस जो बोलते हैं, हड्डी का खोखलापन, डेंसिटी कम होना, इसके भी विकार बढ़ रहे हैं, थायराइड के भी विकार बढ़ रहे हैं, माइग्रेन की भी बढ़ रहे हैं, तो इस समय आप लोगों का किस तरह से आप लोग सलाह देते हैं, किस तरह से आपका ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ये सारे रोग जो होते हैं जॉइंट से संबंधित, इनके होने की संभावना पुरुषों के अपेक्षा अधिक होती है। तो उसका कारण भी है कि खासकर मासिक धर्म बंद होने के बाद उनके शरीर में हड्डियों का घिसाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां पोकल होना शुरू हो जाती है, तो वो उस वजह से भी उनको हड्डियों के या जॉइंट के रोग बहुत होते हैं। उसके अलावा महिलाओं में कुछ आदत देखी गई है आयुर्वेद के अनुसार, जैसे बहुत ज़्यादा उपवास करना या फिर बासा खाना खाना, है ना, और पानी में अगर बहुत समय तक काम करते हैं, इस प्रकार के चीज़ों के वजह से भी उनके अंदर वात का बढ़ाव होता है। और आयुर्वेद में सारे भी जितने भी जॉइंट के प्रॉब्लम्स हैं, इनका सारा संबंध वात रोग से होता है, वायु का शरीर में बढ़ना, और उसके वजह से ही सारे ये प्रॉब्लम होते हैं। तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये उनमें अधिक प्रमाण में पाया जाता है। सर, जब हम ऋषा हॉस्पिटल, जो आपका क्लिनिक है, काफ़ी अत्याधुनिक है, हर तरह का ट्रीटमेंट भी होता है पूरी डिजीज़ का, तो आप ये बताइए कि किस तरह की स्पेशलिटी यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पेशेंट्स के लिए, उस बारे में बताइए। देखिए, अगर आयुर्वेद, ऋषा आयुर्वेद में हम लोग जो चिकित्सा करते हैं, खासकर अगर हम लोग जॉइंट पेन के संदर्भ में बात करेंगे, तो हम लोग तीन स्तर पर इसकी चिकित्सा करते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि उस जो व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम है, उसके हम लोग आयुर्वेद अनुसार प्रकृति का पता लगाते हैं कि वो किस प्रकृति से बिलोंग करता है। उसके बाद में दूसरा जो स्टेप होता है, उसमें हम लोग उसके रोग निदान यानी उसके बीमारी का कारण को जानने का प्रयास करते हैं, और उसके अंदर किन दोषों का बिगाड़ हुआ है और किस वजह से ये बीमारी हुई है, ये जानने का हम लोग का वो रहता है। उसके तीसरे स्तर पर चिकित्सा आती है, जिसमें हम लोग शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्म के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। दूसरे लेवल पे हम लोग एक प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल उनको बताते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से व्यायाम करना चाहिए, कौन से उनके शरीर के लिए व्यायाम उपयुक्त होंगे, वो उनको बताया जाता है। और तीसरा, उसमें हम लोग फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ, हर्बल औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियों से उनका जो भी उनके अंदर बिगाड़ आया है, जो भी दोषों का बिगाड़ आया है, उसको सामान्य करने का प्रोसेस। तो इस तरीके से तीन स्तर पर ये चिकित्सा हम लोग प्लान पूरा करते हैं, और इसी के लिए हम लोग आयुर्वेद में इसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, कि सारा कुछ देख के आपका जीवन शैली और कारण क्या है रोग का। ऐसे रोगों में अलग अलग कारण हो सकते हैं, किसी का लाइफस्टाइल हो सकता है, किसी का डाइट हो सकता है, किसी का मानसिक तनाव और स्ट्रेस के वजह से भी उनके अंदर चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको जानने के बाद उसके अनुसार ही चिकित्सा का योजना की जाती है। सर, जैसे कि हमारे दर्शकों को आपने बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक में होता है, आयुर्वेदिक क्लिनिक में अत्याधुनिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है, हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं और आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस भी लाइव स्क्रीन पे चल रहा है, उसको देख के आपसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। अब ये भी बताइए कि ये सारी की सारी चीज़ें आपने हमारे दर्शकों को बताया, तो आप ये भी बताइए कि किस तरह की लाइफ स्टाइल होना चाहिए ताकि ये डिजीज से बच सके, इन रोगों से बच सके। सर, लाइफ स्टाइल में बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, जैसे समय से आपका उठना, समय से सोना। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, और शायद उतना काम नहीं होता है फिर भी होते हैं। तो रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये सबसे पहला नियम है। समय से खाना है, समय से अपना भोजन, जो टाइम का जो खाना है वो आपको अपना समय से लेना है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी चीज़ होती है कि थोड़ा सा व्यायाम जरूर करना है, चाहे वो पैदल घूमने जाए, साइकिल चलाएं,
स्विमिंग करें या जो भी उनको पसंद है, इस प्रकार का शारीरिक व्यायाम डेली हमारे जीवन शैली में होना चाहिए। और जहाँ तक है खान पान की बात, तो आपको मेनली जो रूखा खाना होता है, मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें होती हैं, उसके बाद में जो आजकल पैक्ड और प्रोसेस फूड मिलते हैं, पैकेट वाले फूड, वो चीज़ों को आपको मुख्यतः अवॉइड करना है। जो हम लोग का सामान्य घर का खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी, ये आप ज़्यादा खाएंगे तो इनसे आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिशन, कैल्शियम और सारी चीज़ मिलती है। तो इनसे अगर बेसिक इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो भी हम लोग बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और इसके अलावा फिर व्यक्तिगत, हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग लाइफस्टाइल और डाइट होती है, वो उसके प्रकृति के अनुसार, उसका अभी फिलहाल वो क्या चीज़ें कर रहा है क्या नहीं, उसके अनुसार हम लोग कंसल्टेशन के समय में बताते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।